आजमगढ़ पर हुई कम वोटिंग के सियासी मायने क्या है? आजमगढ़ सीट पर इस बार आखिर किसका होगा कब्जा? लोकसभा चुनाव के छठे चरण में उत्तर प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए उनमें से एक आजमगढ़ हाई प्रोफाइल सीट भी है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बीच है। 2014 के चुनाव की तुलना में इस बार यहां वोटिंग फीसदी में गिरावट देखने को मिली है। चुनावी विश्लेषक वोटिंग फीसदी में आई कमी का गुणा भाग करने में जुट गए हैं। जी हां, 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर करीब 56.47% मतदान हुआ था, जबकि इस बार 56.13% वोट पड़े। हालांकि इस सीट पर किसके सिर जीत का सेहरा बंधता है ये तो 23 मई को ही पता चलेगा, लेकिन यहां बीजेपी की ओर से निरहुआ को मैदान में उतारे जाने से मुकाबला दिलचस्प जरूर हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से निरहुआ के स्टारडम पर असर देखने को मिला उससे विरोधी खेमे में खलबली जरूर मच गई है। यही वजह है कि इस बार के युद्ध में यादव निर्णायक नहीं रह गए हैं। निरहुआ के आने से अखिलेश को दलितों और अल्पसंख्यक वोटरों पर भी निर्भर रहना पड़ रहा है। जानकारों के मुताबिक यहां यादव वोटर्स के बड़े हिस्से का अभी भी एसपी के खाते में जाना तय है, लेकिन निरहुआ की सभाओं में जुटने वाली भीड़ों का संकेत है कि उसमें दरार पड़ गई है। 2014 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव यहां बीजेपी उम्मीदवार को महज 60,000 वोटों से हराने में कामयाब हुए थे। हालांकि एसपी का एक धड़ा यहां अखिलेश को वॉकओवर मिलने का दावा कर रहा है, तो वहीं पार्टी के भीतर कुछ लोगों में इस बात का भी डर है कि बीएसपी और कांग्रेस के समर्थन के बावजूद उनकी जीत का अंतर सम्मानजनक नहीं हुआ तो फिलहाल उसमें कोई चमक नहीं रह जाएगी। यहाँ के 19 लाख वोटरों में 3.5 लाख से अधिक यादव, 3 लाख से ज्यादा मुसलमान और करीब 3 लाख दलित हैं। बीजेपी की उम्मीदें इस पर टिकी हैं कि निरहुआ एसपी के यादव वोट बैंक में तो सेंध लगाएंगे ही, गैर यादव, अन्य पिछड़े वर्ग, गैर जाटा दलितों और सवर्णों के समर्थन से बाजी पलट देंगे, लेकिन उनके बाजी पलट सकने के दावे पर किसी भी जानकारों को एतबार नहीं है। ऐसे में इस दिलचस्प मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश कितने छोटे या बड़े अंतर से जीत दर्ज करते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।